दिस इज एसर्टिव सेंटेंस. व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, दिस इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और ये एसर्टिव. ओके, तो याद रखना है आपको कि जब भी व्हेन है तो इस तरह से नेवर से आप बना सकते हो. दूसरी भी मेथड है, उसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हो. ओके, इवर नेवर वो भी मेथड है, मगर ऐसे सेंटेंस है, ये मीनिंग आप समझ सकते हो. देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी उनकी ग्लोरी कभी भी कम नहीं होगी. ओके, तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, कब कम होगी, तो उसका मतलब उनकी ग्लोरी है वो कभी भी कम नहीं होगी, ये उसका मीनिंग है. ओके ओके, लेट अस सी द सेकंड मेथड, वो इवर नेवर वाली ही देख लेते हैं, वो भी ऊपर मैंने पढ़ाई है. ओके, इवर है तो आपको नेवर से सेंटेंस बनाना है. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एक सेंटेंस लिखते हैं, विल ही इवन फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस, विल ही इवन फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस. ओके, चलो किसी को आएगा आंसर, शायद बोलो क्या होगा इसका आंसर. Will he? Yes. He will never forget that experience. Okay, that's good. He will never forget. He will never. बहुत इजी है. He will never forget that experience. That experience. कुछ लोग अभी भी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं. Okay. देखो फर्स्ट मेथड हमने देखी, उसमें व्हेन कैन और नेवर वो मेथड देखी. अगर व्हेन वाला क्वेश्चन है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ओके, तो व्हेन से क्वेश्चन पूछा है कब, तो आपको आंसर देना है नेवर से. ओके, कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड. इनवर्स दोनों तरह से पूछ सकते हैं, एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव, दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकता है. दूसरी मेथड हमने पढ़ी इवर और नेवर वाली. Will he ever forget his experience? क्या कभी वो अपना experience भूल पाएगा? तो उसका answer होगा he will never forget that experience. Okay? इस तरह से. Okay, third one. उसमें है is there anything? से question start होता है. Is there anything? तो उसको आपको answer देना है there is nothing. There is nothing, इस तरह से. For example, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू. ओके, एक क्वेश्चन है, देखो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है. ओके, एक क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, उसमें उसको आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मेक एसर्टिव. चलो किस तरह से उसका एसर्टिव होगा बनाओ. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? यस जिल. ओके, वेरी गुड. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, नथिंग रॉन्ग विथ यू. ओके, करेक्ट, फाइन. ओके, सो आई डोंट थिंक देयर इज, वी शुड डिस्कस मोर एग्जांपल, बिकॉज इट इज वेरी मच इजी. एनीथिंग है तो नथिंग का यूज करो, इस तरह से हो जाएगा. ओके, चलो फोर्थ मेथड देखते हैं. उसमें वो एल्स से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर देना है. अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ इसीलिए आप जानते हो कि इस तरह से आंसर बनाना है. Who else? तो nobody else से आंसर लिखना है. ओके, चलो उसका एग्जाम्पल लिखते हैं. Who else could have done it? Who else could have done it? Who else could have done it? कौन ये कर पाता, दूसरा कौन else ये कर सकता था. ओके, चलो क्या आंसर होगा. यस स्तुति. ओके, वेरी गुड. नोबडी एल्स कुड हैव. स्तुति, इस बार मार्क्स बहुत कम है आपके, क्यों?
और यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है. ओके नेक्स्ट. ओके नो नो इश्यू, नेक्स्ट टाइम बी टेक 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 केयर नेक्स्ट टाइम. फिफ्थ वन उसमें सर. यस जिया सर, नोबडी की जगह नो वन भी लिख सकते हो? यस यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो, नोबडी की जगह नो वन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम बिकॉज़ दे आर सिमिलर. नेक्स्ट फिफ्थ मेथड उसमें है व्हाट डज इट मैटर. व्हाट डज इट मैटर. ओके दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और ऐसे क्वेश्चंस किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो मुझे बताइए, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा. और हमारे स्टूडेंट्स देखिए 36 प्रेजेंट है, 20 स्टूडेंट्स हैव बीन एब्सेंट. इस बार तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ और यूट्यूब पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो. ओके क्लास में हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, दैट्स वाई 5 मिनट आने में हो जाता है, 5 मिनट दूसरा लेक्चर होता है तो मैडम आते हैं चलो क्लास खाली करो खाली करो, तो फिर यहाँ अच्छी तरह से डिस्कस हो सकता है. और तो भी कोई डाउट्स है तो हम ऑफलाइन क्लास में भी सीख सकते हैं, आपको कोई डाउट्स है तो. ओके चलो इसकी मैं आंसर नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आपको आता है कि नहीं. व्हाट डज इट मैटर. व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है वेदर. सॉरी whether we get highest or not. What does it matter whether we get highest or not? फर्क तो पड़ता है. ओके अगर हमने हार्ड वर्क किया है तो, मगर कोई बात नहीं. What does it matter whether we get highest or not? चलो इसका आंसर बनाइए, क्वेश्चन है तो उसको आपको बनाना है एसएलटी. कृष्या बोलो. नथिंग मैटर्स, वो थोड़ा कुछ डिफरेंट लगता है जी, आप बोलो. इट डज नॉट मैटर. ओके बहुत ही सिंपल आंसर है. ओके बट करेक्ट है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इट मैटर्स अ लिटल. It matters a little. Okay, वो आपने बोला वो भी सही है, no problem. Whether we get highest or not. It matters a little whether we get highest or not. Okay, it doesn't matter whether we get highest or not. ये भी सही answer है, no problem. Okay, sixth method. किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर अगर इसके अलावा ये लिखे तो सही है. ओके नो प्रॉब्लम. सिक्स मेथड में है वाई प्लस वर्ब. वाई प्लस वर्ब. ओके वाई प्लस वर्ब है और चलो अभी उसका एग्जांपल ही देता हूँ, फिर यहाँ उसका सॉल्यूशन देता हूँ किस तरह से करता है. कौन सा एग्जाम्पल. Why worry about people? Why worry about people? चलो people नहीं, sorry कुछ awkward हुआ. Why worry about what people say? Why worry about what people say? क्या होगा उसका आंसर. ओके इस तरह से लिख सकते हो आप, वी शुड नॉट वरी अबाउट वॉट पीपल से. ओके एसर्टिव मीन्स, जनरल स्टूडेंट ऐसा ही मानते हैं एसर्टिव मीन्स पॉजिटिव, मगर ऐसा नहीं होता. एसर्टिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एसर्टिव. मैथमेटिक्स में भी वो डेफिनेशन है एसर्टिव की. ओके मैं दूसरी मेथड भी बताता हूँ आपको, अगर लिखना है तो वो बहुत अच्छी मेथड है. इट इज फुलिश टू वरी. इट इज फुलिश टू वरी अबाउट व्हाट पीपल से.
एक ये लेक्चर में आपको ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही पढ़ाने वाला था, बट लास्ट टाइम आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई कुड नॉट सॉल्व सम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। वो चाहते थे कुछ चेक कराना मगर हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो कैसे पढ़ने में ही सारा टाइम चला गया। तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं, बाद में क्लास में कुछ डाउट्स है तो हम सॉल्व करेंगे। ओके, इट इज फुलिश टू वरी अबाउट, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज फुलिश टू वरी। ओके, वाई प्लस वर्ब और इस तरह से नेक्स्ट मेथड सेवंथ। यस एनी हाँ, अगर ऐसा सेंटेंस है ऊपर जो मेथड बताए, व्हाट डज इट मैटर। अच्छा वो मैंने लिख भूल गया, वो आपको दिया था ना प्रॉब्लम के लिए। इट मैटर्स, अच्छा किया वो याद करा दिया, क्योंकि ये मैं आपको फोटो भेजने वाला हूँ तो आपकी नोट्स में कुछ रह नहीं जाएगा। ओके ओके, सेवंथ में देखते हैं। कुछ बार व्हाट वाला क्वेश्चन होता है तो उसको किस तरह से, फॉर एग्जांपल व्हाट कैन रुइन हिम, व्हाट कैन, कोई बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, कितनी भी सक्सेस आए या फेलियर आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट डजंट मैटर, तो हम बोलेंगे व्हाट कैन रुइन हिम। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, व्हाट कैन रुइन हिम, रुइन, यस नथिंग कैन रुइन हिम। अगर व्हाट है आपको मीनिंग से ही पता चल जाता है क्या करना है सर। यस राहुल सर, अपना नाम लिख दो प्लीज चैट में, नाम नेम लिख दो प्लीज फटाफट। जिसे पता चले कोई अननोन पर्सन है या नहीं है हमारे अंदर। ओके, व्हाट कैन रुइन हिम, तो यहां पर आपको लिखना है नथिंग कैन रुइन हिम, उसका आंसर होगा नथिंग कैन रुइन हिम। ओके, फिर एट उसमें है, चलो सारे स्टूडेंट्स ने नेम लिख दिया अपना, ये बाकी है तो लिख दो। वो वाले बहुत मेथड है, उसमें से एक मेथड देखते हैं, वो प्लस वर्ब से अगर स्टार्ट होता है सेंटेंस, ओके, तो किस तरह से उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वो डज नॉट नो यू, वो डज नॉट नो यू, देखो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट अभी आ रहे हैं क्लास में, वो डज नॉट नो यू, कौन आपको नहीं जानता। ओके, ये हमारी एट मेथड है, कौन आपको नहीं जानता। चलो अभी आप थोड़ा सोचोगे तो आप बना सकते हो इसका आंसर, किस तरह से होगा। यस स्तुति, यस एवरीवन नोस यू, या अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो एवरीबॉडी नोस यू, एवरीबॉडी नोस यू। कोई दूसरा ऑप्शन है एवरीवन या एवरीबॉडी के अलावा, everybody, yes, there is no one who doesn't know you, very good। इसके अलावा कोई मेथड है किसी के पास, बहुत सिंपल है all know you। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो ना all know you, everybody knows you, तो इसमें आप लिख सकते हो all know you, there is no one who doesn't know you, इस तरह से। But I would suggest that if you have simple method and confident about that method that this answer is right, then give preference to write that one only। बहुत कुछ लंबा लिखने में कुछ time एक word की गलती हो जाती है, okay? तो फिर हमारे marks चले जाते हैं।
फिर नाइन्थ मेथड हम देखते हैं उसमें क्या है। देखो अगेन उसमें एक वो वाले मेथड लेते हैं। उस ऊपर मैंने आंसर नहीं लिखा वो है तो यहाँ पर एवरीबडी। तो आप नोट में लिखो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप पढ़ो तो ये लर्न कर सकते हो। उसमें भी वो वाली एक मेथड है, उसमें किस तरह से बनाते हैं देखो। वो कैन हेल्प मी ऐसा क्वेश्चन है, वो कैन हेल्प संकल्प में एग्जाम थी तब ऐसा क्वेश्चन था, मगर मुझे पता था एग्जाम में था तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा तो मैंने नहीं बताया उस टाइम। बिकॉज दैट वॉज कॉन्फिडेंशियल एग्जाम। मगर अभी सीख लो, अभी एक एक भी मेथड बाकी नहीं रहेगी जो आप सिद्धार्थ इज लेट। वो कैन हेल्प मी ऐसा क्वेश्चन है तो उसका किस तरह से आंसर होगा? यस, नो वन कैन हेल्प मी या नो बडी भी लिख सकते हो, नो बडी कैन हेल्प मी। फिर इसका दूसरी तरह से क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से भी हो सकता है, कैन एनी बडी हेल्प मी, कैन एनी बडी हेल्प मी। इस तरह से भी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो वो की जगह पर आपको याद रखना है Nobody या no one, और क्वेश्चन बनाना है तो आप who या everybody इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये हमारी थी नाइन्थ मेथड। फिर टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नथिंग वाला क्वेश्चन सेंटेंस हो शायद, ऐसा एक आ गया तो भी एक दूसरा देख लेते हैं। वॉज देयर एनीथिंग टू डू, वॉज देयर एनीथिंग टू डू। ये क्वेश्चन है तो उसको आपको बनाना है एसर्टिव। हाँ बोलो ऋषभ। मगर आपने क्या बोला देयर इज नथिंग टू डू, तो क्या मिस्टेक कर दी? यहाँ वॉज है और आपने बोला इज तो वो गलत है। वॉज है तो टेंस में चेंज नहीं करना है। देयर वॉज नथिंग टू डू। तो नथिंग है तो आपको उसका कॉन्ट्रास्ट एनीथिंग लेना है, इस तरह से होगा। चलो इलेवेंथ मेथड देखते हैं उसमें क्या है। उसमें पहले हम नेवर वाला सेंटेंस पढ़े, मगर उसमें हमने देखा कि नेवर है तो वेन से क्वेश्चन होगा। मगर कई बार नेवर या इवर उन दोनों का भी मैचिंग होता है यहाँ पर, नेवर या इवर। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर ड्रिंक टी, आई नेवर ड्रिंक टी। चलो उसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बनाओ मेक एंड। यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट ग्रामेटिकली आंसर इज रॉन्ग। बोलो क्या है? नहीं ये गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? इट बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वी वन, सो यू हैव टू यूज एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वर्ब्स डू एंड डज। यस नाउ विल नोस बोलो। यस दैट्स राइट। आई है तो डू का यूज करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं डू आई इवर ड्रिंक टी। और ही शी इट है तो डज का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल ही नेवर ड्रिंक्स कॉफी, ही नेवर ड्रिंक्स कॉफी, तो उसका क्या होगा आंसर? ही है तो डज। डज ही इवर ड्रिंक कॉफी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी रूल्स लर्न नहीं किए। जो पेपर्स मैंने चेक किए, मुझे लगता था 3 या 4 आवर्स इट वुड टेक, मगर ओनली 1.5 आवर में सारे पेपर चेक हो गए। कुछ चेक ही नहीं करना था अंदर तो। बी सिंसियर, कितनी बार ये हर रोज सर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ रूल्स ही लर्न नहीं करते हो। ये हमारा अभी 12th रूल, 11 हो गया। देखो आकाश is late, okay, चलो एक दूसरा भी अभी एक ले लेते हैं निवर वाला, जिससे क्योंकि अभी तक जो मेथड्स मैंने पढ़ाई वो एडवांस लेवल थी, ओके okay? अभी जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो हम वो थोड़े ज्यादा देखते हैं। Have you ever visited ताजमहल? चलो इसका क्या होगा? अरे आई नहीं करना है, यू है तो यू ही लिखना है। यस भगवती बोलो। ओके, यू हैव नेवर विजिटेड ताजमहल। सोनी यस नहीं है प्रेजेंट आज, सोनी यस नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट है सोनी यस है तो बोलो। नहीं है, ओके। नेक्स्ट 12th मेथड, उसमें पॉजिटिव है सेंटेंस। ये बहुत ही कॉमन मेथड हमारी, ओके। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, इस तरह से आपका पूरा बनेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी शैल प्ले, तो इसका क्या होगा बोलिए? नेगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। फिर से बोलो ऋषभ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। शैल वी नॉट, दैट इज रॉन्ग। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? यस वही लिख दो, शांट वी प्ले। ओके क्या लिखना है इसकी जगह पर आपको? यस यस, वी शैल प्ले, अगर आपने ऐसा लिखा ना शैल वी प्ले, दैट वुड बी रॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पॉजिटिव टू नेगेटिव करनी ही है, कंपलसरी, ओके कंपलसरी ये होना चाहिए। इस तरह से किसी को अगर if they want to write like this, shall we play, then this would be right answer, shan't we play. I will not help you, okay? चलो ये assertive है, इसका बनाओ क्या होगा? ऋषभ यहाँ do कहाँ से तुमने ला दिया, कौन से grammar का rule अपने apply किया बेटा? एक मिनट, ये युवराज डुडिया किसका अकाउंट है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। युवराज डुडिया बेटा आपका नाम क्या है? युवराज। श्रीधर पे हो? श्रीधर पे पढ़ते हो या श्रीधर ब्रांच में पढ़ते हो कि दूसरी ब्रांच में? ओके ओके, आई विल नॉट प्ले, इसमें डू डस नहीं आ सकता, बोलो विल का ही यूज करना है। विल आई हेल्प यू क्या होगा? विल आई हेल्प यू, ओके इस तरह से। और दूसरी बात, अभी हम जो मेथड कर रहे हैं वो पुरानी मेथड से कर रहे हैं बोर्ड की,
पुरानी तो नहीं, हर साल जिस तरह से पूछते हैं, ओके, बट आप जानते हो कि इस टाइम 30% आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो सकता है, मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, होगा ऐसा नहीं, तो उसमें किस तरह से होगा, आई विल नॉट प्ले यू, तो उसमें 4 आंसर हो गए यहाँ आपको, तो मैं तो ये सोचता हूँ ये डायरेक्ट लिखना है ना वो इजी है, ये एमसीयू की हो गए तो आपको 100% रूल पता होगा, विल आई हेल्प यू, वॉन्ट आई हेल्प यू, विल हेल्प आई यू, विल यू हेल्प मी, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके, तो ये रूल्स अच्छी तरह लर्न करना है, इनडायरेक्ट में भी ऐसा हो सकता है, ओके, कन्वर्ट द पैराग्राफ इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसा कंफ्यूजन वाला पैराग्राफ ब्लैंक रख देंगे उसमें, ओके, और क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से भी इनडायरेक्ट पूछ सकते हो, ऑब्जेक्टिव मींस कहीं भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इनडायरेक्ट में भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो सकता है, एरर्स में भी हो सकता है, कहीं भी ग्रामेटिकल पार्ट में ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो दैट मींस ऑब्जेक्टिव होना दैट मींस इजी पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव होना आपको पता है, हम गूगल फॉर्म में बहुत सारी एग्जाम आपने फेस की तो कितने मार्क्स आते थे, बीच में तो आउट ऑफ 25-17 थे, ओके, वोकैबुलरी वाले टेस्ट, वैसे वो पेपर तो डिफिकल्ट था, मगर आप जानते हो कैसे मार्क्स जाते हैं थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से, तो ये रूल्स अच्छी तरह लर्न कर लेना, ओके, जिससे कोई भी मार्क्स किसी भी तरीके से पूछे, इट शुडंट मेक एनी डिफरेंस टू योर मार्क्स, ओके। चलो एक और एक देख लेते हैं, विल यू हेल्प मी, विल यू help me, ये इंट्रोगेटिव है तो उसका assertive क्या होगा, I will not help you. Yes, I will not help you, इस तरह से, या me है तो I है, इस तरह से, okay, so कोई method रह गई हो तो देख लेता हूँ मैं, वैसे तो कोई नहीं रह गई, सारी आ गई, okay, 12 methods, okay, इसका answer लिख देते हैं, I will Not help you. इसमें देखो जो मैंने गलती की ना पंक्चुएशन मार्क्स की, फुल स्टॉप लिखना था तो पंक्चुएशन मार्क दिया, ओके, 12 मेथड्स, बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो, देखो फिर से देख लेते हैं सारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लेट आए, ओके, मैंने रीजन नहीं पूछा बट टुडे आई अलाउ, When वाली method, okay, फिर ever and never, फिर third one, is there anything, there is nothing, for who else, nobody else, why plus verb, it is foolish to worry, दूसरे भी इसमें answer थे, okay, फिर what or nothing वाली, who plus verb, everybody, who everybody, nobody, no one, nothing, anything, फिर 11, never ever, और 12th है पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, ये सारी इसमें सारी मेथड आ गए, कोई भी बाकी नहीं है, तो भी हमारा लेक्चर अभी फ्राइडे को है तो उस टाइम कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ओके, बोलो अभी कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लो, ये हमारा इंट्रोगेटिव और एसर्टिव का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और रेगुलर लेक्चर में कोई डाउट सॉल्विंग है या इनडायरेक्ट स्पीच के पैराग्राफ है वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कुछ टॉपिक्स है वो रिवाइज करने हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टैग है, वॉइस है, वो सारे रिवाइज करेंगे, ओके, इट द सेम थिंग इफ आई टीच इन द क्लासरूम देन इट विल टेक मिनिमम 2 लेक्चर्स, ओके, और इसमें भी मैं नहीं सोचता आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, आई होप, ओके, चलो तो कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू वेरी मच, हियर वी कंप्लीट द लेक्चर.